नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 11 अक्टूबर की चार जबरदस्त खबरें सैनिकों, पेंशनर्स, रेलवे, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक लाभ, ओल्ड पेंशन बहाली, ECHS और बोनस के ऊपर। आइए देखते हैं विस्तार से इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में है, जिसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और उन्हें याद दिलाया कि आपके मंत्रिमंडल के समूह ने ही जुलाई 2016 में NJCA की हड़ताल स्थगित कराई थी, ये आश्वासन देकर कि कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा और उनके हक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि अब रेलवे कर्मचारी आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि वो कर्मचारियों को नाराज नहीं रहने देंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर अब रेलवे कर्मचारी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सरकारें कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें नई नई सुविधाएं देती रही हैं, लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों को जो सुविधाएं पहले से हासिल हैं, उन्हें भी साजिश के तहत बंद किया जा रहा है। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि आखिर क्या वजह है कि हर बात तय हो जाने के बावजूद रेल मंत्री के यहाँ फाइलें रुकी हुई हैं। महामंत्री ने गृह मंत्री जी को याद दिलाया कि उन्होंने भरोसा दिया था कि जल्द ही वो वित्त मंत्री के साथ मीटिंग फिक्स कराने के साथ ही रेलवे कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मी नाराज बैठे हैं और वो सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। 12 अक्टूबर को देश भर से रनिंग स्टाफ दिल्ली पहुंच रहा है और वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर सभी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार कर उसे पूरा नहीं किया जाता है तो हम वर्क टू रूल पर चले जाएंगे। महामंत्री की बातों को सुनने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर आश्वस्त किया है कि हम रेलवे कर्मचारियों की नाराजगी दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि जल्दी ही वित्त मंत्री के साथ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के नेताओं की मीटिंग फिक्स कराई जाए, जिससे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका उचित समाधान संभव हो सके। अब देखना ये होगा, ये एक बार फिर टरकाने वाली बात है या इस बार कोई रिजल्ट निकलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली खबर। अब देखते हैं आज की दूसरी खबर। दोस्तों, आज की दूसरी खबर भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के लिए है, यानी कि ECHS लाभार्थियों के लिए, और ये AG ब्रांच की तरफ से लेटर जारी किया गया 3 अगस्त 2018 को, जिसमें ये बताया गया है कि ECHS का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 जनवरी 1996 से पहले जितने भी रिटायरीज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिफंड किया जाएगा, जिसकी कॉपी नेवल हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, आर्मी कमांड, सभी आर्मी कमांड हेडक्वार्टर, सभी रीजनल सेंटर्स ECHS को दे दी गई हैं। हमारे 1996 से पहले के जो रिटायरी हैं उनको MRO की कॉपी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, या वेटरन्स की डिपॉजिट स्लिप उनके पास हो वो, या बैंकर्स द्वारा जो वेटरन को अंडरटेकिंग दिया गया वो, या उनकी पासबुक में जो एंट्री हो वो, या एफिडेविट रिगार्डिंग डिपोजिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, या जिस किसी भी रीजनल सेंटर्स में वो पैसा जमा किया उसका कोई रिकॉर्ड हो, ये कुछ ना कुछ एविडेंस उनको देना पड़ेगा। इसी संदर्भ में सभी रीजनल सेंटर्स और स्टेशन हेडक्वार्टर्स को ये अनुरोध किया है कि वो जो इन भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के ECHS लाभार्थियों का जो एक्सेस अमाउंट क्लेम हुआ है उसको रिफंड करने में उनकी मदद करें जितनी उनसे हो सके। तो दोस्तों, ये थी ECHS लाभार्थियों के संदर्भ में जानकारी, जो 1996 से पहले के रिटायरी हैं उनके ECHS कंट्रीब्यूशन को रिफंड करने के संदर्भ में। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर। दोस्तों, आज की तीसरी खबर रेलवे विभाग की तरफ से है, ये खुशखबरी की खबर है रेलवे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनको 78 दिनों का बोनस मिलेगा, लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को। जी हाँ दोस्तों, ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, और इसमें फैसला ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे कर्मचारियों को 78 डेज के बराबर तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे लगभग 12 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
तो दोस्तों अब प्रत्येक कर्मचारी को 17,951 यानी 17,951 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों ये थी आज की तीसरी खबर और अब देखते हैं आज की चौथी बड़ी खबर। दोस्तों आज की ये चौथी खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए है, चाहे वो डिफेंस के हों, केंद्रीय कर्मचारी हों, सिविल के हों या किसी अन्य विभाग के, जिनका भविष्य निधि फंड यानी जनरल प्रोविडेंट फंड कटता है, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 8% मिलेगा 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक। इसके लिए लेटर जारी कर दिया है वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग की तरफ से 4 अक्टूबर 2018 को। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके लाभार्थी कौन कौन हैं। ये हैं दोस्तों इसके लाभार्थी, जिसमें जनरल प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, डिफेंस सर्विसेज, द इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्क्समैन प्रोविडेंट फंड, द इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्क्समैन प्रोविडेंट फंड, द डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों अब इन सब के भविष्य निधि खाते पर 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक के लिए। दोस्तों ये थी आज की चार बड़ी खबरें मेरे सभी व्यूवर्स के लिए आज की इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।